इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम उद्धव ठाकरे मातोश्री पहुंच चुके हैं। पूरा ठाकरे परिवार मातोश्री पहुंच चुका है। मातोश्री के बाहर लगातार शिव सैनिकों की भीड़ नजर आ रही है। लगातार शिवसेना जो शिव सैनिक है वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे को। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है मातोश्री के बाहर। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर बाद हो सकता है कि वो खुद सीएम उद्धव ठाकरे खुद बाहर आए और लोगों से जाने की अपील करें, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर आज मुंबई की ट्रैफिक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको शिव सैनिक नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिकों का ताता, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का झंडा, सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिक की घोषणाबाजी और सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की नारेबाजी। सीएम उद्धव ठाकरे का जोरदार स्वागत हुआ है मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विधायक बागी निकले हैं, हम हमेशा अपने उद्धव साहब के साथ हैं, हम हमेशा उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। आदित्य ठाकरे भी पहुंच चुके हैं, पूरा परिवार मातोश्री पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम आवास को छोड़कर, सरकारी आवास को छोड़कर अपने घर मातोश्री आ चुके हैं। कुछ ही देर में, आधे घंटे के इस सफर में सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं अपने घर। पूरा सामान, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने सामान लेकर दोपहर से ही ये प्लानिंग हो चुकी थी। बस कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाना था। इस वजह से शरद पवार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पहुंचने का निर्णय लिया, वर्षा बंगला छोड़ने का निर्णय लिया। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे अपने घर जाते हुए, सभी शिव सैनिक उद्धव ठाकरे अपने घर जाते हुए। ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मातोश्री के बाहर की। उद्धव ठाकरे अपने घर पर सभी को हाथ दिखाते हुए, गाड़ियों का ये लंबा काफिला, शिव सैनिकों की भीड़, सीएम उद्धव ठाकरे।